मैं हेड कांस्टेबल जसवीर, पुलिस थाना कालाम, मोटरसाइकिल पर रहने वाला हूँ। मैं पुलिस विभाग में मुझे 16-17 साल हो चुके हैं। मैं जो है कालाम में भी 1.5 साल से पोस्टेड हूँ। अभी 4 दिन पहले एक FIR हुई थी, उस एप्लीकेशन के मुताबिक, उस जो भी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो सेक्शन बनती थी उसमें मुकदमा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसमें जो सेक्शन थी वो एक बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, परंतु विक्टिम पार्टी इसमें मुझे कहीं भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं उनको बुलाता हूँ आते नहीं, मुझे बोलते हैं कि सस्पेंड कर देंगे, रात रात भर मुझे सोने देते हो फोन करके, हम तेरे को सस्पेंड कर देंगे, हम थाना सस्पेंड कर देंगे, हर कुछ बोल रहे हैं। मैं बड़ा इतना डिप्रेशन में हूँ, कोई बात नहीं, एक आध पब्लिक बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे हम, कोई बात नहीं। परंतु मेरा उसके बाद जो है, मुझे पिछले कल मेरे SO साहब हैं, DSP साहब रमाकांत ठाकुर जी, उन्होंने बुलाया फाइल लेके। उन्होंने फाइल देखी तो उन्होंने बोला कि चलो तफ्तीश देख के भी आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, सही है। मैंने बोला सर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जैसा भी होगा ठीक है। विक्टिम बोलता है कि 307 सेक्शन लगाइए, मैं बोलता हूँ कि 307 हमारे बस में नहीं है, हम 307 नहीं लगा सकते, 307 नहीं लगा सकते हम। वो एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल चोटें हैं, नॉर्मल चोटें हैं, 307 के लिए मेरे को प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जैसा एज पर लो होता है वैसा कीजिए। आज सुबह भी मैंने जो विक्टिम है उसको बुलाया था कि जो एक्यूज्ड हैं वो 2 दिन से यहीं हैं, थाने पे बैठे हैं बेचारे, उनके लिए कि इनको शिनाख्त कराना है, एक जो भी होता है ये उनको पहचान करानी है। मैंने विक्टिम को सुबह फ़ोन किया कि आप आइए, उसके फादर को, चाचा जी को, तेजवीर को 3-4 फोन किए, मेरी कॉल डिटेल भी चेक की जा सकती है, परंतु वो लोग नहीं आए। फिर आए, जब आए तो बोलते हैं कि आप इसमें ये सेक्शन लगाइए, आप इसमें 506(2) लगाइए, आप 307 लगाइए। मैंने बोला कि यार मुझे भी, मैं भी तो एक कानून के अनुसार ही इसमें कुछ कर सकता हूँ, कि मैं अपनी मर्जी से क्या इसमें सेक्शन लगा सकता हूँ। तो ये सारी घटना जो है वो CCTV फुटेज में है मेरे थाने के, मेरे IO रूम की। तो इसने बोला है, वो बोलता है कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम नहीं करते, हम आपको जो है वो, हम अभी आपकी कंप्लेंट करते हैं। पिछले 2 दिन से वो मेरी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज उन्होंने फिर से मेरी कंप्लेंट्स की है मेरे अधिकारियों को। मुझे फ़ोन आता है 1 बजे कि SP साहब ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत, रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना नहीं, खाना खाने की तैयारी में था, आधे घंटे में आना है बोले। आधे घंटे में कालाम से मैं दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे पहुंचा हूं, शायद बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता जिस जल्दी में गया हूं मैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का आदेश ही ऐसे करे कि नहीं, आधे घंटे में यहाँ चाहिए आप। उसके बाद मैं पहुंचा तो अंदर साहब ने बुलाया है। SP साहब बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा ही उनकी तारीफ है, पीठ पीछे तारीफ है, पहले भी है और आज भी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो हमारे मेरे आला अधिकारी भी जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताएं जरा ऐसा क्या है, कानून की धज्जियां क्यों भैया? हम कानून के रखवाले हैं, उसमें रह के काम कर सकते हैं, ठीक है, मारपीट हुई है उसके मुताबिक सेक्शनें लगी हैं, 307 कहां से लगाऊंगा? विक्टिम बोलता है कि मर्डर की धारा लगा दो, 302 मरा नहीं, 302 कहां से लगाऊंगा? क्या ये एक, मैं पूरी पब्लिक से, क्या पूरे भारत से, हर से मेरी एक वो है गुजारिश, क्या ये धाराएं, क्या हमने हमारी दुकान है जहां से हम झट से उठाएंगे और लगा देंगे? धाराएं ऐसे नहीं लगती, ये जो है मुताबिक, उसी के मुताबिक लगेंगे ना, जैसा ऑफेंस होगा। अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दें इनको, अरे भाई अंदर कैसे डाल दें, अंदर किस कैपेसिटी में डाल दें? बेलेबल ऑफेंस है, कैसे कर दूंगा उनको मैं? कैमरे लगे हैं हवालात में, 2-2 कैमरे लगे हैं, कैसे मैं उसको अंदर डाल सकता हूँ? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंदर SP साहब से मिला हूँ, SP साहब वेल रिस्पेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये नहीं पता किस प्रेशर में है। मेरा पक्ष मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, मेरे कोई बात नहीं सुनी गई। मैं बार बार फिर भी इसी वीडियो में बोल रहा हूँ कि मुझे विक्टिम पार्टी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, मुझे धमकियां दे रही है। और इस
बात को पूरे थाने को बताया। मैं बोलता हूँ आरक्षी अशोक कुमार उसके सामने की बात है, एएसआई इस्लाम उसके सामने की बात है, दो तीन और भी जो है वहाँ पे सबको इस बात का पता है, एमएचसी एमसी आरक्षी जागर इन सबको पता कि क्या हालात चले हैं। अभी मैं बार बार अपने अफसरों को बात समझा रहा हूँ, क्यों वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या एक आदमी कुछ भी बोल रहा है उसके बोलने से कुछ भी करेंगे? कुछ भी, मैं इस महकमे का जवान हूँ, अरे मैं छोटा हूँ मैं मानता हूँ, ये मेरे जो है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, पर मेरा पक्ष भी तो सुन लो। मेरे साहब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी जुबान बंद रख, जो मैं बोलता हूँ वो कर, अभी जाके गिरफ्तार कर इनको, इनको गिरफ्तार कीजिए अभी जाके। मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरफ्तार करूँ इनको, कल मेरे मैं अपने अपने खिलाफ एक मुकदमा करा लूँ क्या, कैसे किस उसमें इनको मैं गिरफ्तार करूँ? मुझे बस एक बात बता दी जाए। मैं बार-बार एक बात बोलता हूँ कि जो आदमी जो आयुष में इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है, मुझे कोई वो नहीं है, फाइल ले लो, लेते क्यों नहीं, मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं जबरदस्ती, मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं भगवान से, मैं दिन रात काम करता हूँ, पर इन्होंने आज मैं रोया हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू है, अभी भी मेरे को ऐसे ही परिस्थितियां कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर, कुछ भी नहीं है, रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई, आरटीआई में लेंगे मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है, परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं, डेंजरस टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं, रोटिंग का मुकदमा है, इसमें तो डॉक्टर ने लिखा सिंपल चोटे हैं, मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूं, और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, कितना बिगड़ चुका है